मेरे को चक्कर आ रहा था, अच्छा छाती में ठीक दर्द थी, 2-3 बार ईसीजी करवाया, है। अच्छा ठीक आई थी रिपोर्ट, जी, आपका चेस्ट पेन और बाजू का दर्द कैसा है? ठीक है। मेरे को चक्कर आ रहा था, अच्छा छाती ठीक में दर्द थी, गर्दन में, इसको अच्छा, तो ये चक्कर कब से आ रहा था? कितने दिन हो गए थे? हो गए थे 10-15 दिन, 10-15 दिन। तो 10-15 दिन से लगातार ही था या आ रहा जा रहा था? लगातार भी था और बीच बीच में कभी आना भी, ऐसे लगातार तो लगातार कितने दिन से हो गया था ये? 1-1.5 हफ्ते जैसे लगातार, फिर ऐसे सिर घूम जाना, हम नीचे करके काम कुछ नहीं होना, क्या चलते प्रॉब्लम चलते आ भी रही है? चक्कर आ जाना, जैसे ऐसे झटका लगना, रुकना थोड़ी देर, बैठ जाना, किस तरफ होती थी आपको चेस्ट पेन जो है? लेफ्ट लेफ्ट साइड। और चेस्ट पेन के साथ क्या बाजू में दर्द भी था? लेफ्ट, बाजू में भी, अच्छा लेफ्ट बाजू में ही था या राइट में था? राइट में भी था, राइट दोनों साइड बाजू दोनों में था, कैपिटल्स में। 2-3 बार ईसीजी करवाया, अच्छा, ठीक आई थी रिपोर्ट, ये आपको जो पेन थी, चेस्ट पेन जो थी, कितना टाइम हो गया था ये लगातार चेस्ट पेन आपको जो बनी एक थी? डेढ़ साल से थी। लगातार लगी थी, हर दिन होती थी? हाँ 1-1.5 साल से लगातार थी। लगातार लगी रहनी, अच्छा, तो अभी कोई चेस्ट पेन तो नहीं है? कोई बाजू में दर्द तो नहीं है, लेफ्ट बाजू में या राइट बाजू में? नहीं सर में दर्द भी होता था कभी कभी? हाँ होता था, वो भी ठीक है, कोई पेन किलर वगैरह तो नहीं लिया आपने अपने इलाज के समय? यहाँ पे आप जब आए थे ना, नहीं नहीं तब तो नहीं ली, तो ये मुझे बताओ कि आप जैसे जो पेन किलर खाते थे इन सारे चीज़ों के लिए, जो दवाइयाँ, कितने टाइम से खा रहे थे? चेस्ट पेन के लिए कितना टाइम हो गया दवाई खाते हुए? 1-1.5 साल, यहाँ पे आप कितने दिन आए इलाज के लिए? 1 हफ्ता, ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस होती है, तो ठीक है, वो आपको जो बताई है वो करनी है आपने रेगुलर घर में, ठीक ठीक है? है, तो फिर नहीं आएगा दोबारा ये वापस, चक्कर वगैरह की समस्या, सर दर्द और बाजू में दर्द और चेस्ट पेन वगैरह, वो ठीक है नहीं अभी? बिल्कुल हाँ जी, कोई समस्या तो नहीं है बिल्कुल भी, ये जिसके लिए, जो आप जिसके लिए आए थे, ठीक नहीं है। जो आपका चेस्ट पेन वगैरह था वो हार्ट की वजह से नहीं था, नसों की प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड था, हाँ जी, ठीक है? तो अब वो भी दोबारा चेस्ट पेन आपको नहीं आएगी और पेन किलर वगैरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।